गुड मॉर्निंग गाइस। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारे, और आज हम जो रुके थे रात को, वो रुके थे थियोग और नारकंडा के बीच। एक जगह है ये होटल, और यहाँ पे हमने आज अपना स्टे किया है। अब यहाँ से मॉर्निंग सुबह के बज रहे हैं 7:15 हो गए। अब यहाँ से निकलते हैं, आगे की जर्नी करते हैं अपनी कंटिन्यू। तो आज हम पहुँचेंगे शायद, या तो हम नाको जाएंगे या फिर हम जाएंगे चिटकुल। अगर चिटकुल खुला होगा तो चिटकुल जाएंगे, नहीं तो आज रुकेंगे हम नाको। ये है हमारी खिड़की से व्यू, वो जो सामने दिख रहा है वो ताज होटल है। उसी के नाम पे इस होटल का नाम ताज व्यू होटल है। होटल ताज व्यू है इसका नाम। मैं सोचा होटल ताज व्यू क्या मतलब हुआ, तब अभी देखा मैंने कि सामने ताज होटल है, तो उन्होंने उस होटल के नाम पे इसका नाम रखा है होटल ताज व्यू। तो चलो भैया निकलते हैं होटल ताज व्यू से। और हमारी गाड़ी की हालत इतनी बुरी हो गई, केवल कुफरी में, कुफरी से जो बर्फ़ गिरी हुई थी कुफरी में, वो पूरा साफ आई थी गाड़ी, केवल वहीं पे इतनी गंदी हो गई। तो चलो आगे की जर्नी करते हैं स्टार्ट। साइड धूप नहीं आती होगी ना, तो इधर पिघली नहीं है। अभी बोल रहा था नारकंडा में ज्यादा है क्या बर्फ, इधर तो इतनी है नहीं। अनजन पुत्र, अब पता नहीं चल रहा पत्थर कौन सा ही है, कौन सा बर्फ। यहाँ अटकी पड़ी है बर्फ, धूप नहीं मिलेगी ना इसको, धूप कहाँ से मिलेगी इसको, छुपा सारे पेड़ पौधे छुपा रही है। बर्फ ही बर्फ, यहाँ रोड पे नहीं है, वहां साला रोड पे थी बर्फ कुफरी के बाद, यहाँ रोड पे पिघल गई है रोड की, वहां पूरी रोड पे पड़ी हुई थी बर्फ, तभी तो गाड़ी पूरी गंदी हो गई। रामपुर बुशहर 85 है अभी यहाँ से, रामपुर उसका नाम है रामपुर बुशहर। अरे भाई रास्ते से हट जा। स्नो वंडरलैंड बना हुआ है यहाँ, और अभी तो नारकंडा भी नहीं आया। तो ये पहुंच गए भैया हम नारकंडा। नारकंडा नारकंडा में तो ढेर लगे हुए बर्फों के, ये रोड पे भी पड़ी है। तेल डलाते हैं, पेट्रोल पंप नीचे है यहाँ पे। बहुत बर्फ है यहाँ तो। ये था वो होटल जिसमें मैं बोल रहा था, ये वाला अच्छा लिटिल पांडा। डीजल डीजल डीजल, चलो भैया डीजल डलवाते हैं यहाँ पे। कहा है नहीं क्या कोई,
चार घंटा की बर्फ नहीं पिघली भाई अभी तक, चार घंटा में बहुत गिरी हुई है, रोड पे भी पड़ी है बहुत लोहे चबके सर। हाँ, चार घंटा की बर्फ आसानी से नहीं पिघलेगी, बहुत मोटे मोटे ढेर लगे हुए हैं, पूरी ब्लैक आइस हो रखी है नीचे देख। साइड दे रहा क्या हमें? अब नहीं है, सब नीचे नीचे कम हो जाएगी, नीचे उतर रहे ना। भैया नाश्ता कर लिया हमने, एक एक पराठे खाए और एक एक पराठे पैक कराए हैं, हमने कहा कहीं रास्ते में भूख लगेगी तो तब खा लेंगे। बहुत बड़े बड़े पराठे बना रखे थे आंटी ने। और अब हम अभी हम हैं रामपुर से करीबन 15-20 किलोमीटर पहले, 30 किलोमीटर पहले आई थी। तो ये जो कट है जहाँ पे मनाली के लिए कट जाता है, यहाँ से मनाली मंडी वगैरह होते हुए, मंडी होते हुए मनाली जो जाता है, यहाँ पे कट है उसका तिराहा, तो वहीं पे हमने नाश्ता किया है और फिर से अब निकल चुके हैं आगे। और आज का ये लग रहा है यार मुझे चिटकुल का, शायद रास्ता बंद है, आगे पूछना पड़ेगा किसी को चिटकुल के रास्ते के बारे में, अगर बंद होगा तो फिर हम आज नाको जाएंगे, तो चिटकुल जाएंगे आज। चलो जैसा भी होता है आगे पता चल जाएगा। अभी तो पहले तेल का पता करना है, तेल डीजल का एंटी फ्रीज का पता करना है। डीजल पीछे मिल तो रहा था, अरे एंटी फ्रीज वहां नहीं मिला ना उस पे, उसने कहा एंटी फ्रीज आपको रामपुर में मिल जाएगा। एंटी फ्रीज क्या होता है पता है? नहीं। एक लिक्विड आता है, नहीं जैसे इसमें डालते हैं बाइक में भी डालते हैं निकालते हैं, अरे वो अलग चीज है। एंटी फ्रीज क्या होता है, डीजल को जमने नहीं देता ठंड में। अच्छा, वहाँ डीजल जम जाता है गाड़ी का, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी फिर, अगर डीजल जम जाएगा तो गाड़ी कैसे चलाओगे फिर। तो भैया ये पहुंच गए हम रामपुर, रामपुर बुशहर। बहुत पीछे से शुरू हो गया था और ये रामपुर बुशहर का जाम, महिंद्रा का सर्विस सेंटर, और यहाँ हमें पता करना है एंटी फ्रीज का पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा? आई लव रामपुर। वहां तक है खराब, दूसरी साइड तक। बना नहीं रहे तेरे, बनते नहीं है? बन तो रहा है, सब काम चल रहा है। अच्छा ऊपर से आया होगा? ये आता ही रहता है, यहाँ काम ही चलता रहता है, ये उजड़ता ही रहता है बार बार।
चलो भैया हम भी जरा चीले इस झरने में अपनी गाड़ी नहलाते हैं। बाज उड़ रहे हैं, बाज इस झरने में, इस पुल में टूटा हुआ भी है, पुल देखना पड़ेगा। आज हम भी अपनी गाड़ी धोते हैं। ओहो ओ बाज घूम रहे हैं। बन जा भाई मेरी जरा, क्या नजारा, गड्ढा है। हाँ हाँ देख लिया वो गड्ढा। तो यहाँ इन्होंने वो फेंके होते हैं ना कूड़ा। बंदर भी है, बंदर भी है, बंदर तो होंगे। ये ऊपर से मलबा आ रहा है पूरा, कैसे धोएंगे यहाँ पे गाड़ी। अगर आप लोगों को याद हो तो ये वही झरना है जिसने पूरी महिंद्रा को हिला दिया था। अरुण पार भाई जो हैं उनकी स्कॉर्पियो एन में यहाँ पानी आ गया था सनरूफ से, तो उस चक्कर में पूरी महिंद्रा हिल गई थी। वो एक्चुअली खुद की स्कॉर्पियो एन लेके यहाँ पहुँच गए थे गुड़गांव से। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल झरना भी है। चलो भैया हमारी तो हो गई हमारी गाड़ी चमाचम। इस पे देखो चकास चमक गई गाड़ी पूरी। तो इसमें हमने गाड़ी धो ली अपनी और यार थोड़े बहुत नुकसान हो गए गाड़ी में। ये इसका सन वाइज़र टूट गया इसका, ये देखो अब ये हाथ में ही आ गया, तो सन वाइज़र गया। और एक इसका नंबर प्लेट का यहाँ टूट गया, ये पूरा टूट गया यहाँ से। चलो लेकिन गाड़ी चमक गई है पूरी। लॉक टाइट से हमने कर दिया इसे, टाइट चिपका दिया हमने इसे। अरे वहाँ पे तो भैया पत्थर गिरने लग गए थे ऊपर से, बाल बाल बच के भाग गए हैं वहाँ से, पता नहीं क्या होने लग गया था वहाँ पे, पत्थर गिरे जा रहे थे ऊपर। और एक इस पुल पे इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है इस पुल पे, ये चलो भैया बहुत देर हो गई निकलते हैं यहाँ से। चलो रोड जा रखी है अभी तक, यहाँ अभी तक ठीक नहीं हुआ यहाँ पे भाई। ओ देखो ऊपर पूरा बर्फ गिरी हुई है, मेरे को लग रहा है चिपकुल का रास्ता बंद ही होगा फिर।
इसे बोलते हैं किन्नौर वैली। क्या इसको, इस जगह को किन्नौर वैली, ये किसी टाइम पे वर्ल्ड की सबसे डेंजरस रोडों में आती थी, किन्नौर वैली की रोड है। इन दोनों के बीच से काट के रोड बना रखी है, एक ही पत्थर है ना, उसे बीच से काटा हुआ है, खड़ा नहीं है वो। झंडे देखिए, एक झरना ये भी रहा। अब झंडे झरने लेकिन उसमें जा नहीं सकते आप, पहले जा सकते थे, अब बंद कर दिया उन्होंने। और देख बंद क्यों, बंद कर दिया जैसे जाने वाले, नहाने वाले तो नहाने वाले जा सकते हैं, गाड़ी लेके नहीं जा सकते आप, पहले गाड़ी लेके घुस जाते थे ना लोग। चेक पोस्ट पे एंट्री करा हुआ। वो तो ऐसे भग गया बिना एंट्री, वो यहीं का है ना। अच्छा, लोकल को निकालनी पड़ती। चिटकुल खुला है, चलो फिर चिटकुल। पूछते भी कहाँ जाना है और कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, एक घर का नंबर भी चाहिए, घर का एड्रेस भी चाहिए, कि कुछ हो गया तो किसको फोन करेंगे हम घर में। ये भैया इस रास्ते को देखने के लिए मैं बार बार आ सकता हूँ। क्या ही सीन है, क्या मस्त जगह बनी हुई है। यही है वो सबसे खतरनाक जगह। ओ भाई वहां पूरा रोड जा रहा था, तो पुलिस वाले खड़े हैं। अच्छा अभी काम चल रहा है यहाँ खतरनाक वाला। ओहो अच्छा, तभी यहाँ रोक लेते हैं गाड़ियाँ पीछे, जब यहाँ काम चलता है पीछे यहीं पे रोक लेते हैं जहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे। देख रहा है सारा पहाड़ चला गया है नीचे, नीचे दिख रहा कुछ। धूलम धूल, उसकी मूछें लटक रही, हिल रही है पीछे उसकी गाड़ी की मूछें। ये देख यहाँ है, देख रहा पूरा पत्थर है कट के बना हुआ, एक ही पत्थर। नीचे नहीं आते, नीचे नहीं आता ना।
आगे पुल है, ये पुल है आगे, झरना निकल रहा है यहाँ से। तो भैया ये जगह है टपरी से थोड़ा सा 6 किलोमीटर पहले, यहाँ पे रुके हम खाना खाने के लिए। ये हमें रेस्टोरेंट मिल गया था यहाँ पे, सुकून फैमिली ढाबा। हमने कहा यहाँ पे सुकून से थोड़ा सा खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आगे की जर्नी। और अभी हमने चेक पोस्ट जो पीछे था उस पर हमने पता किया, उसके लिए चिटकुल के लिए, तो उन्होंने बोला चिटकुल खुला हुआ है, जा सकते हैं। तो अब हम चिटकुल ही जा रहे हैं, अपनी गाड़ी भी बिल्कुल गंदी हो गई है फिर से भाई, धूल ही धूल इस रोड पे, पूरी रोड वो रखी है धूलम धूल, पूरी रोड टूटी पड़ी है, फिर से धूल ही धूल हो गई गाड़ी पे। चलो उतनी गंदी तो नहीं है जितनी पहले थी। खाना आ गया भाई हमारा, मस्त खाना थाली में, कड़ी चावल रोटी दाल, कैसा हो रहा बोलो? एकदम मस्त मस्त बना है